अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ वैक्सीन्स ऑन पेज नंबर 38। सो व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? वी आर स्टडिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। सो वैक्सीनेशन, व्हाट आर वैक्सीन्स? Vaccine is a material which contains weakened or killed pathogen disease causing germs and is used to produce immunity या resistance against a disease. Vaccine जो है ऐसा material है जिसके अंदर किसी भी disease के weakened या फिर killed, या तो वो कमज़ोर pathogens हैं, pathogens होते हैं germs को कहते हैं जो कि disease cause करते हैं, बीमारियों की वजह बनते हैं। और ये वैक्सीन किस लिए यूज़ की जाती है? यूज़ टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम जो है डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन जो है वो की जाती है। व्हेन अ वैक्सीन इज़ इंजेक्टेड इनटू अ ह्यूमन बॉडी, द ब्लड सेल्स इन द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजेंस एज रेलेवेंट्स एंड प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट देम। जब उस वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो ब्लड सेल्स जो हैं बॉडी के अंदर वो उन डेड या वीक पैथोजेंस को रियल पैथोजेंस जो है वो कंसिडर करते हैं और फिर इसके खिलाफ वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है? कि डिजीज़ से बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो ब्लड सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन ब्लड। ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ब्लड के अंदर रहती हैं। व्हेन एनी रियल पैथोजन एंटर्स द बॉडी, द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ किल इमीडिएटली एंड द बॉडी बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़। तो जब उस बीमारी का रियल पैथोजन इस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उस बॉडी के अंदर पहले से ही उस पैथोजन के खिलाफ या उस पैथोजन का मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो वैक्सीनेशन इसीलिए बीमारी से पहले लगाई जाती है ताकि ब्लड जो है वो एंटीबॉडीज़ पहले से प्रिपेयर कर सके और फिर अगर वो बीमारी अटैक करती है तो वही एंटीबॉडीज़ उस बीमारी के पैथोजन्स को ख़त्म कर सकें। Nowadays, biotechnologists use bacteria to prepare vaccine. Biotechnologists जो हैं वो bacteria को इस मकसद के लिए use कर रहे हैं। They identify some proteins of pathogen that do not cause disease but can stimulate blood cells to make antibodies. उन्होंने कुछ ऐसे proteins देखे हैं pathogens के जो कि बीमारियों की वजह तो नहीं बनते लेकिन blood cells को antibodies बनाने के काबिल बनाते हैं। The gene of such protein is इंजर्टेड इन टू बैक्टीरियम। बैक्टीरियम के अंदर इस तरह के प्रोटीन के कुछ जीन्स इंजर्ट किए जाते हैं। द जीएम बैक्टीरिया में कॉलोनीज एंड प्रिपेयर द पैथोजन प्रोटीन्स। जीएम बैक्टीरिया यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज बनाता है और उन पैथोजन से रिलेटेड जो है वो प्रोटीन्स तैयार करता है। दीज प्रोटीन्स एक्ट एज वैक्सीन्स। ये प्रोटीन जो है वो वैक्सीन के तौर पर एक्ट करते हैं। When these proteins are injected in human body, जब ये proteins जो है human body के अंदर inject किए जाते हैं, it blood cell produce antibodies. Blood cell जो है उसमें antibodies produce होती हैं, यानी कि blood cell antibodies produce करते हैं. These antibodies can kill the kind of the pathogen from which the genes taken. तो फिर ये antibodies जो हैं उन pathogens को ख़त्म कर सकते हैं। In this way the human become safe from that kind of pathogens. तो इंसान के अंदर उन जर्म्स का मुकाबला करने की एबिलिटी पैदा होती है। एंड वैक्सीन्स फॉर हेपेटाइटिस बी, टाइफॉइड, मीजल्स, मीजल्स कहते हैं खसरा, ये मुख्तलिफ बीमारियों के नेम्स दिए गए हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन्स जो हैं वो प्रिपेयर कर ली गई हैं। हैव बिन डिवेल्प यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को यूज़ करते हुए इन बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन्स जो हैं वो बना ली गई हैं। वैक्सीन्स फॉर मलेरिया एंड HIV आर बीइंग डेवलप्ड। मलेरिया यानी कि मॉस्किटो बाइट से जो डिज़ीज़ होती है उसको मलेरिया कहा जाता है। NHIV और मलेरिया और HIV के खिलाफ जो है वैक्सीनेशंस भी बना ली गई हैं। अदर इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंक्लूड ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स और ग्रोथ हार्मोन्स एट्सेट्रा। इन वैक्सीन्स के अलावा जो दूसरी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे ह्यूमंस की लाइफ जो है उनको सेव किया जा सकता है, उनमें है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स
और ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए हार्मोन्स और ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून को जमाने के लिए, खून को मनजमत करने के लिए, ज़्यादा खून जो है वो बॉडी से ना बहे, उनके लिए जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप कर ली गई हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।